हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट दिस इज मी शुक्र तिवारी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन एक नंबर एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके तो आज आपको एज यूजुअल हर फाइलम के बाद एक टैबलेट मिलती है जिसका नाम है एनसीआर टी बूटी तो आज अपन लोग पढ़ लें इसको वैसे ये सारी चीजें अपन लोगों ने पढ़ ली हैं पर एन बूटी से आपको एक क्विक अच्छा प्यारा शॉर्ट रिविजन मिल जाएगा जिससे पूरा चैप्टर जब आप पूरे लेक्चर्स पढ़ लिया करो एन सी बूटी पहले नहीं देखा करो ठीक है इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस तो पहले पूरे लेक्चर्स देखा करो ठीक है जितने आप चार बने हैं उतने देखो पूरे और फिर उसके बाद आप देखो इसको तो आपको पूरा लेक्चर जो है ना वो एक समराइज वे में मिल जाएगा ठीक है कि कुछ बच्चे ऐसे वो बूटी बूटी लिए जा रहे हैं अरे भैया ऐसा नहीं होता हर बीमारी का एक प्रॉपर इलाज होता है वो उस इलाज के लिए मैंने चार लेक्चर बनाए पहले उससे देखो और फिर इसे देखना सो लेट स्टार्ट विद द फाइलम एस के अकॉर्डिंग टू योर एन ठीक है सो so, द बॉडी ऑफ एस के इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन ठीक है अगर हम इसे काटे तो इनकी बॉडी आपको राउंड दिखाई देगी ठीक है इसीलिए इनका नाम राउंड कहलाता है क्या कहलाता है इनका नाम इनका नाम राउंड वॉर्म्स कहलाता है ठीक है हैबिटेट की बात कर रही है एनसीईआरटी तो क्या बोलोगे दे मे बी फ्री लिविंग जो मैंने पहले आपको बताया था ठीक है दे में भी एक्विटिक एंड दे में भी टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए थे पैरासिटिक का भी एग्जाम्पल कितने सारे अपन लोगों ने पढ़ा स्कैरिस पढ़ा वुचरेरिया पढ़ा बहुत सारे पढ़े ठीक है ये सबके पैरासाइट हो सकते हैं ये एनिमल में भी पैरासाइट हो सकते हैं बच्चों और ये प्लांट्स में भी पैरासाइटिक हो सकते हैं ठीक है इनमें डेवलपमेंट के नाम पर क्या पाया जाता है इनमें डेवलपमेंट के नाम पर पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लेटे हेलमेंस में नहीं था प्लेटे हेलमिन में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था पर आपको भी पता है कि जब हम नेक्स्ट फाइलम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ डेवलप्ड कैरेक्टर्स तो हमको देखने के लिए मिलते ही हैं ये डेवलप्ड कैरेक्टर है उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सिमिट्री की बात करते हैं इनकी जो सिमिट्री होती है वो होती है बायलेटरल सिमिट्री कैसी सिमिट्री होती है बायलेटरल सिमिट्री जो कि प्लेटे हेलमिन से ही हम लोगों ने शुरू की थी फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्री आपको प्लेटे हेलमिन से देखने के लिए मिली थी और अगर कोई कैरेक्टर आ गया है तो अब उसको गायब नहीं कर सकते अपन लोग ठीक है तो फर्स्ट बायोलेटरल सिमेट्री हमें कहाँ से देखने के लिए मिली थी प्लेटे हेलमिन से जो एस हेलमिन तक कंटिन्यू है दे आर ट्रिपलो ब्लास्टिक दे आर वॉट दे आर ट्रिपलो ब्लास्टिक इनके पास तीन जर्म लेती है हाउ मेनी जर्म ले हैव थ्री जर्म लेडम एंड मीजो डीक बट प्रॉब्लम ये है कि तीन लेयर होने के बावजूद जैसे प्लेटे हेलमेंट्स में सिलोम का कोई चांस नहीं था क्योंकि सॉलिड मीजोडम थी यहां पर थोड़ा सा चांस बना बट द मीजोडम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस एंड दे स्प्रेड इन बिट दे स्प्रेड इन द स्पेस इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल विच इज टोटली अन ट्रू ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर सीलोम की बात कर रहे हैं तो गट वॉल को भी मीजोडम से कवर होना चाहिए और बॉडी वॉल को भी मीजोडम से से कवर होना चाहिए और इन दोनों के स्पेस जो होता है इसी को आप सिलोम कहते हैं पर किसी भी ना तो गट वॉल के ऊपर मीजोडम है ना तो बॉडी वॉल के ऊपर मीजोडम है और बीच के स्पेस में जो खाली होना चाहिए वहां पर मीजोडम पाउच के फॉर्म में स्प्रेड है ठीक है आई बात समझ में ठीक है नाउ इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है इनके में ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पाया जाता है जो कि प्लेटे हेलमेंट्स में नहीं था प्लेटे हेलमेंट्स में एनस नहीं था सिर्फ माउथ होता है बट दे हैव वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल इट मीन्स ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान इट मीन्स बॉडी इज अ ट्यूब वेयर ठीक है बॉडी इज अ ट्यूब वे आर वी कंसिडर डाइजेस्टिव ट्यूब अनदर डाइजेस्टिव ट्रैक एज अनदर ट्यूब तो इसके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पाया जाता है साथ ही साथ इनके पास एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है जबकि इनकी इंटेस्टाइन मस्कुलर नहीं होती ये मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है उसके बाद अगर हम लोग बात करें खाना खा लिया तो अब एक्सक्रिटरी सिस्टम की बात करना पड़ेगा एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं इन स्पेशल टाइप की सेल्स को हम एच शेप की सेल्स या रेनेट सेल्स भी कहते हैं ये सेल्स इनका शेप एच होता है ये लंबी सेल्स होती हैं इनके पास एक एक्सक्रीटरी पोर होता है तो जो भी वेस्ट एक्सक्रीटरी एच सेल कलेक्ट करती हैं वो एक्सक्रीटरी पोर से बाहर होता है ठीक है बट मेल में एक्सक्रिटरी पोर जो है मैं ये कहूं कि मेल में जो आपका एनस है वो नहीं होता है ठीक है एनस की जगह उसमें क्लोएका होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया था ठीक है सो एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर ठीक है तो रेनेड सेल में एक्सक्रिटरी पोर होता है जहाँ से खाना बाहर हो जाता है ठीक है सेक्सेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके सेक्स जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं आप इन्हें देखकर ही पहचान सकते हो ठीक है इनमें फीमेल लंबी होती है बड़ी होती है और स्ट्रेट होती है जबकि मेल छोटा होता है और नीचे से राउंडेड होता है ठीक है इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है मतलब स्पर्म ओवा बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे जैसे ट्रैक्यूरियस ठीक है उसमें नहीं होता लार्वा स्टेज जबकि स्कैरिस वगैरह में होता है ठीक है रेबडिटी फॉर्म लार्वा इज द स्कैरिस लार्वा ठीक नाउ अब हम लोग बात करते हैं किसकी एग्जाम्पल्स uh, की सबसे नंबर वन एग्जाम्पल इज द स्कैरिस विच इज़ द राउंड वॉम वुच रेरिया इट इज़ अ फाइलेरियल वाम एंड एंडसाइलोस्टोमा इज द हुकॉम दीज आर द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम जो कि हम डिटेल्स में बात कर सकते हैं कर लिए हैं सो दिस इज द फीमेल ठीक है uh, जो कि हल्की राउंड है जबकि मेल में आप देखिए कि पूरा साइड से ऐसे करके राउंड है सो दिस इज ऑल अबाउट द एन सी आर टी बोटी सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो और आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा आज रात में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास में मैं एक अनदर फाइलम के साथ आपको मिलूंगी ठीक है सो गुड नाइट अगली क्लास में नई चीज के साथ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास घर पर रहिए सेफ रहिए थैंक यू सो मच